नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक नारायण स्टॉक्स में दिल से। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ पेनी स्टॉक के बारे में। लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं और कुछ लेटेस्ट अपडेट भी है। कुछ स्टॉक्स में प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा है, तो क्या हमारा स्टॉक में नेक्स्ट स्टेप रहना चाहिए? और ये 99% के डिविड इन सभी स्टॉक्स में लगातार रिटेल उठा रही है, तो क्या आपको करना चाहिए? तो आपको डेफिनेटली वही करना चाहिए जो सब लोग नहीं करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, कमेंट करते रहना ताकि अपडेट आता रहे। जैसे खूबसूरत शेयर के बारे में अपडेट बोला किसी ने, ए टू जेड इंफ्रा के बारे में मेरा खुद का अपडेट है, साथ में 2 रुपये का शेयर भी शेयर करेंगे जिसमें अच्छी खासी डिलीवरी लगातार उठाई जा रही है और जो हाई से काफ़ी टूट चुका है। चाहो तो नज़रों में रख सकते हो, ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो, एजुकेशन पर्पज़ से या फिर रिसर्च के पर्पज़ से। चलिए लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शेयर के बारे में, इसका नाम है खूबसूरत शेयर के बारे में। तो यार ये स्टॉक में क्या करना है? तो देखो 2 रुपये का शेयर है, लगातार आपको अपडेट दिया, यहाँ कहीं भी यहाँ भी अपडेट दिया, स्टॉक को जितना होगा सेल करो। तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ अगर आपके पास स्टॉक है तो सेल करो, ठीक है? सेल मतलब प्रॉफिट बुकिंग करो। उसका एकमात्र रीजन है प्रमोटर्स की होल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। अगर आप थोड़ा प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हो, जो नहीं देखता है उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है? हमारे जो स्टॉक के टारगेट थे तो बहुत कब के अचीव हो चुके हैं, ठीक है? अब तो इसमें बोनस मिल रहा है, जो बोनस मिल रहा है बस चुपचाप लेते रहो और समेटते रहो। देखो यहाँ पर मार्च 2022 में लेटेस्ट अपडेट आया प्रमोटर्स की होल्डिंग है। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 9% थी जो अब घटके 0.5 हो चुकी है। इसका मतलब प्राइस जब ऊपर गया तो प्रमोटर्स ने हाथ साफ कर दिया। तो अगर प्रमोटर्स ने हाथ साफ कर दिया हमें क्या करना चाहिए? डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। तो जो लेटेस्ट बाय करने की सोच रहा है स्टॉक को, भैया भूल कर भी बाय मत करना, लग जाएंगे ढंग से लग जाएंगे, ठीक है? जो 2 रुपये का स्टॉक है 1 रुपया आ जाएगा और 1 रुपये छोड़ो दोबारा 30 पैसे आ जाएगा। तो जिन्होंने बाय करा था पहले अच्छी प्राइस में वो तो होल्ड करो। जैसे मैंने स्टॉक को 20 पैसे में बाय किया है, मैंने कब का प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, मैं तो उसको बेचूंगा भी नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लेटेस्ट बाय करना चाहते हैं, क्योंकि देखो होता क्या ना, बायर और सेलर्स है तो भाई नए बकरे तो होंगे ना जो स्टॉक को बाय करेंगे, क्योंकि वो स्टॉक को 30 पैसे बाय नहीं कर पाए। अब उनको लग रहा है कि स्टॉक 2 रुपये से 10 रुपये जाएगा, 100 रुपये जाएगा, जैसे टाइटेंड गया तो नहीं जाएगा। बेसिक इंडिकेटर्स मैंने बताया ना, सी होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कर लिया करो, वही बेसिक इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट का, फंडामेंटल एनालिसिस का। बाकी प्रोजेक्शन का तो आपको पता ही है, अगर ये वाला पैटर्न बना रहा है जिसको लोअर लोस का पैटर्न बोलते हैं, ये पैटर्न अगर स्टॉक में बच जाए तो डेफिनेटली वो भी एक इंडिकेटर है कि स्टॉक में हमें एग्जिट करना चाहिए। तो अभी के लिए खूबसूरत डेफिनेटली इनवैलिड स्टॉक है, यू मस्ट सेल द स्टॉक। बाकी आप एक बार अपनी खुद की स्टडी कर लेना। और साथ में देखो यहाँ पर लगातार जो क्वांटिटी है डिलीवरी, अगर आप देखते रहो तो आपको दिखेगा कि 100% की यहाँ पर उठाई जा रही है, और यही आपका सेम ए टू जेड इंफ्रा पे देखेगा। लेकिन यहाँ पर सुनो एक बात ध्यान रखना, 77% की डिलीवरी उठाई गई है 23 मई को। बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ए टू जेड इंफ्रा के ऊपर एक अपडेट है, अपडेट क्या है वो सुन लो एक बार, है ना? 5 लाख शेयर ट्रेड किए गए थे, ऑलमोस्ट मोर देन 4 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 77% की डिलीवरी स्टॉक की उठाई गई है। अगर आप चार्ट पर देखते हो तो अगर आपको याद होगा ए टू जेड इंफ्रा बहुत पहले इस प्राइस से किया 4 रुपये के प्राइस में, तो वहां से स्टॉक हमें मोर देन 250-300% का रिटर्न दे रहा है, जो काफी अच्छा रिटर्न होता है, ठीक है? और बीच में अभी अभी कुछ महीने पहले मैंने स्टॉक दोबारा आपको बताया था कि बाय कर सकते हो, उसका एकमात्र रीजन था। और मैंने ये भी बोला था कि यहाँ से स्टॉक डबल होगा, उसका एकमात्र रीजन क्या था? ये स्टॉक मंथली में एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। जब भी ये पैटर्न बनता है, देखो मैं क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कि पैटर्न काम करते हैं। अब पैटर्न काम करते इसका मतलब कि हमेशा काम करेंगे, लेकिन आपको एसएल लगाना था। ये स्टॉक हमारा एसएल ये था ना, याद है आपको, याद आ गया होगा, ये हमारा बाय था। देखो दोबारा स्टॉक वहीं बाय आके ऊपर जा रहा है, और हमने स्टॉक में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करती कितने के प्राइस में, 14 से 15 रुपये के प्राइस में। मैंने कुछ स्टॉक को एक बार 15 रुपये के प्राइस में एग्जिट किया था और 11 पैसे मैंने बाय किया था। अभी दोबारा मैंने रीएंट्री नहीं करी है, ठीक है? और 9 रुपये 60 पैसे का हमारा एसएल था। तो मैं यही बोलूंगा जिनके पास स्टॉक है, 9 रुपये 60 पैसे का स्ट्रिक्टली एसएल लगा लो, जब तक 9 रुपये 60 पैसे के ऊपर ट्रेड करा यू कैन होल्ड। और मैंने ये भी आपको बोल रखा है ये स्टॉक आपको डबल टारगेट दे रहा है। डबल का मतलब क्या होता है, 11 रुपये 40 पैसे का डबल कर लो, ठीक है? इसका डबल कितना होता है, 22 रुपये 80 पैसे। तो 22 रुपये 21 रुपये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा ए टू जेड इंफ्रा का। स्टॉक को अभी बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से, मत करना। हाँ दोबारा अगर स्टॉक आपको 11 से 12 रुपये के प्राइस में मिलता है तो डेफिनेटली बाय करना, लेकिन एसएल रहेगा 9 रुपये का, ठीक है? 9 रुपये का एसएल पक्का अपने दिमाग में मगज में बैठा लेता। अगर 9 रुपये का एसएल टूटता है तो स्टॉक इमीडिएटली आपको फिर कितने रुपये का टारगेट दिखाएगा, 6 रुपये के डाउन साइड के। इसलिए वहां पर आपको एसएल लगाना जरूरी बन जाता है।
तो ये अपडेट था एटीजेड इंफ्रा के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे उस 2 रुपए के शेयर के बारे में जो बहुत टूट चुका है अपने हाई से और काफी पुराना स्टॉक है, उसका नाम है जेपी इंफ्रा शेयर। मैं बात कर रहा हूँ जेपी इंफ्रा, देख सकते हो अभी 2.70 रुपए अपने हाई से देखो काफी टूट चुका है, ये लगातार हाई रेस का पैटर्न बना रहा है और देखो ये दोबारा से उसी रेंज में आ चुका है जो लास्ट ईयर था, ये अगस्त के समय ये 2 रुपए के रेंज पे ट्रेड करा, दोबारा उसी प्राइस में आ चुका है। तो अगर स्टॉक दोबारा आपको 2.40 रुपए 2 रुपए के आसपास मिलता है तो यू कैन बाय दिस पैनी स्टॉक, ये डेफिनेटली आपको पैसा कमा के दे सकता है। तो जेपी इन्वर्टेक इज द बेस्ट प्राइस टू बाय अराउंड 2.40 रुपए 2.20 रुपए, ठीक है। और आपको एसएल लगाना है, ठीक है, मैंने क्या बोला एसएल तो लगाना है, एसएल तो आपको हर स्टॉक में लगाना है, अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो एसएल तो लगाना पड़ेगा, या तो एसएल लगाओ या तो एवरेज का सारा लो। तो इस स्टॉक में जो एसएल मेरा बनता है मैं आपको दिखला दूं, ध्यान रखना स्टॉक ना किस में चल रहा है, सीआईआरपी प्रोसेस में चल रहा है, उसका मतलब होता है कंपनी के एसेट्स को बेच के उसका डेट चुकाया जाता है। अब इसमें बहुत सारी कंपनी बन जाती है और बहुत सारी कंपनी बिखर जाती है, जैसे सिंटेक्स था रिलायंस ने उसको ले लिया लेकिन वो कंपनी अभी ट्रेड नहीं कर रही स्टॉक मार्केट में, लेकिन उसके नंबर्स आउट हो रहे हैं, ध्यान रखना अगर आप प्राइवेट जाके देखते हो प्राइवेट लिमिटेड हो चुकी है, उसके नंबर आउट हो रहे हैं। तो ऐसी है कि सिंटेक्स है बहुत जल्द पब्लिक होगा नो डाउट, तो ऐसे जेपी इंफ्राटेक कोई बड़ा ग्रुप उसको अक्वायर कर लेता है तो डेफिनेटली अगर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक को चलने देंगे मार्केट में नहीं चलने देंगे, अगर चलने देते तो स्टॉक 2 रुपए से आपका ना 25 से 30 रुपए के टारगेट आपको आराम से दिखा देगा, अगर ये ग्रुप वाले इसको चलने देते हैं। जैसे सिंटेक्स को तो चलने नहीं दिया मार्केट में, उसको बोल दिया कि भैया इसको हम डीलिस्ट कर देंगे तो भैया वो स्टॉक शून्य हो गया। लेकिन इसमें अगर नहीं बोलते ग्रुप वाले कि जो भी उसको अक्वायर करेगा, एक हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं क्योंकि जेपी एक बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप नहीं है, जैसे सिंटेक्स इंडस्ट्री एक अच्छा नाम था अपने आप में, ठीक है, तो जेपी भी एक अच्छा नाम है अपने आप में, ठीक है। तो नाम की आपको पता है ब्रांड की वैल्यू होती है, आप लोगों के लिए वैल्यू नहीं है, बड़े लोगों के लिए है, बड़े लोग मतलब समझो टाटा वाटा रिलायंस, ठीक है, अदानी और वेल्सन जो वेल्सन कॉर्प ग्रुप का है वो सबके लिए इनकी वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर अगर वो बोलते हैं कि हम इसको मार्केट में चलने देंगे स्टॉक को ट्रेड होगा इसमें, तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको 20 से 25 रुपए का टारगेट दिखा सकता है अगर इस एसएल के ऊपर ट्रेड करेगा, जो एसएल आपको बताने वाला हूं। तो सुन लो एसएल क्या है, और एक और चीज बता दूं, ये स्टॉक लगातार आपको हमने पहले 1.30 रुपए का सजेस्ट किया था, वहां से वैसा मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारा जो पहले एसएल था देखो ये था, फिर हमारा एसएल यहां हुआ, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बोला जाता है, अब मेरा एसएल ये हो गया, फिर एसएल मेरा ये हो गया, फिर एसएल ये हो गया। अब ध्यान दो, मैं आपको 2 एसएल बता रहा हूँ, एक है शॉर्ट टर्म एसएल, एक है लॉन्ग टर्म एसएल। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को आप लॉन्ग टर्म एसएल लगाना, ये स्टॉक में आप पुट करो मात्र 1.40 रुपए का एसएल, मतलब 1.40 रुपए लेके 1.70 रुपए ये लगा लो, 1.5 रुपए का एसएल लगा लो, 1.5 रुपए का एसएल लगा लो क्लोजिंग बेसिस में, 70 छोड़ो 40 छोड़ो 1.5 रुपए का लगा लो, और स्टॉक अगर आपको 2 रुपए मिलता है तो बाय पक्का करना, 2.30 रुपए लेके 2.40 रुपए 2 रुपए स्टॉक का काफी अच्छा प्राइस बन सकता है बाय करने का, और 1.5 रुपए का आप एसएल लगा सकते हो, मतलब मोटा मोटी अगर आपकी एवरेजिंग बैठेगी स्टॉक में तो आपका जो एसएल लगा 70 पैसे का रहेगा। तो इस एसएल के साथ आप स्टॉक में इंतजार कर सकते हो कम से कम डबल के लिए, अगर 2 में बाय करोगे तो 4 रुपए का टारगेट एटलीस्ट आपको दिखा देगा, और ध्यान रखना 1.30 रुपए स्टॉक ऑलरेडी हमारा पैसा मल्टीप्लाई कर चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो लोग बोलेंगे कि यार आपका टारगेट तो आया नहीं, इसने एसएल करवा दिया तो सस्पेंड हो गए वगैरह वगैरह, ये भी ध्यान रखना कि 1.30 में हमने पहले बाय भी किया था, अब आपने किया ना किया मुझे नहीं पता, मैंने तो किया था और मैं तो 2 बार एग्जिट भी कर चुका हूं, अब दोबारा बाय करूंगा किस प्राइस में, 2.40 रुपए या 2 रुपए के आसपास अगर दोबारा मिलता है, और एसएल लगा 1.5 रुपए के आसपास का, समझ आ गया। तो ये है आपका जेपी इन्फ्राटेक, इसको आप डेफिनेटली अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो, काफी अच्छी डिलीवरी स्टॉक में लगातार उठाई जा रही है, ऑलमोस्ट कितनी परसेंट जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, दिखा देता हूँ कभी दिखाया, तो देख सकते हो एनएससी का ये पैनी स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो 11 लाख शेयर ट्रेड किए गए थे, 7 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 62% की डिलीवरी स्टॉक उठाई गई है, तो मतलब यहाँ पर लोगों का अभी भी जो बायर्स बन के बैठे हुए और स्टॉक को लगातार वो कैरी कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, घर लेके जा रहे हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, लाइक करना अगर अभी तक देखिए, शेयर करना और ध्यान रखना अपनी खुद की स्टडी एक बार ऐड करना, मेरे खुद का मेरा पर्सनल व्यू है, राइट, तो एक बार खुद की स्टडी ऐड करना।